वेलकम बैक माय चैनल राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ नई ब्लॉग लेके आई हूँ, जो मैं आज सुबह से लगी हुई हूँ सफाई अभियान में। बहुत दिनों से नहीं किया था तो बस वही कर रही हूँ। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और दिन है रविवार, तो सप्ताह का दिन मिला मुझे सफाई करने का। क्या है ना, बहुत दिनों से सोच रही थी कि सफाई करूँगी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। शॉप पे जाना, घर का काम करना और बहुत ही स्कूल से बच्चे को लाना, थक जाती थी। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं वो जो नहीं कर सकते हैं ये सब सफाई वफाई, तो कभी कभी ये सब तो घर का सप्ताह में ही कर लेना ही चाहिए। तो वही सोच रही थी और मैं गाँव चली गई थी फिलहाल, तो उसके कारण भी मैं सफाई वफाई नहीं कर पाई थी। मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसके बाद 2 महीने की फिर चली गई थी। मोतियाबिंद आँख में ऑपरेशन था सासू माँ का, तो वहाँ करने चली गई थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैं फ्री हूँ, अब मैं कर रही हूँ अपना घर की सफाई वफाई में लगी हुई हूँ। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं तो मैं सोची कि चलो आज सफाई से ही स्टार्ट किया जाए ब्लॉग। तो यहाँ मैं झूल उल जो होते हैं ना, जितने भी थे बिल्कुल छोटे, आज हमारे घर की औरतें कई सालों के बाद जो ना सफाई करने वाली जाला साफ कर रही है। ऐसा नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था शॉप पर रहना, घर का काम करना। और मैं सफाई करते करते देख रही थी, ये पीछे से मुझे देख रहा है और मुझे ताना मार रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने सफाई स्टार्ट किया। क्या करें, इनको मजबूरी तो समझ में आता नहीं है कि शॉप पे रहना पड़ता है, घर का काम छोटे मोटे जितने भी होते हैं, काम तो काम होती है ना, तो ये सब टाइम नहीं मिल पा रहा था। इनको तो ताना मारने से फुर्सत मिलता नहीं है, तो ये मेरे सास वाली जो कमी है ना ये पूरा कर देते हैं। और यहाँ देखिए किस तरह से एकदम बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से झोल बना दिए हैं। अच्छा नहीं माना जाता है घर में इस तरह से झोल उल हो, तो इसलिए सोचे कि चलो आज सफाई वफाई कर लिया जाए, ऐसे तो टाइम मिल नहीं पाता है रोज़ रोज़ ये सब करना। और यहाँ देखिए मेरे बेटा ने क्या किया, दीवार का बिल्कुल सत्यानाश कर रखा है, बिल्कुल रहने ही नहीं देता है, कॉपी कम पड़ जाता है। और मैं अभी पहले हॉल में कर लेती हूँ, बहुत बड़ा हॉल है तो सोचे चलो पहले हॉल से स्टार्ट किया जाए फिर रूम बाद में करूँगी। तो इधर हॉल में ही कर रही थी इस तरह से, तो इस तरह से साफ सफाई कर लेंगे जो बहुत धूल मिट्टी बहुत सारे डस्ट उस्ट बैठ गए थे, तो इस तरह से। और यहाँ मैं आ गई थी रूम में, ये मेरे हबी और मेरे शादी की पिक्चर है अब देख सकते हैं। तो यहाँ मैं रूम में आ गई हूँ, हॉल वॉल का सफाई वफाई हो गए थे तो आज मैं थोड़ी लेट से ना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, तो अभी पहले सोचे कि चलो सफाई वफाई कर लेते हैं। और अभी अभी शॉप पर हैं, वो शॉप को खोल लिए हैं, बैठे हुए हैं शॉप पर, तो यहाँ मैं सफाई वफाई कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पूजा वूजा का है, तो यह मेरा सफाई वफाई हो रहा है। और यहाँ मेरा सफाई हो गए थे, झोल उल जितने थे सारे सब करके मैं झाड़ू लगाने आ गई थी रूम का, झाड़ू लगा लिया है। और मैं हॉल में आ गई थी, हॉल बहुत बड़ा है इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, पूरी दिखाऊँगी तो बहुत लंबा आधा घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में ही आपको दिखा रही थी। और यहाँ झाड़ू लगाते लगाते देखिए मुझे क्या मिला, 500 का मुझे नोट मिला है। तो आज मेरी कमाई हो गई है। और मेरी झाड़ू लगाई हो गई थी तो मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ, पूरे घर में पोछा लगाना है क्योंकि आज संडे भी है रविवार है। और मेरी बेटी देखिए वहाँ बैठी हुई है, तो मैंने उसको बोला था कि इधर पोछा लग रहा है इधर मत आना, नहीं तो फिर क्या है ना पैर उर का थोड़ा निशान निशान पर जाए अच्छा नहीं लगता है, तो सूखने देना फिर आना। तो वही मैं समझाई थी उसे, समझा रही थी, तो इधर मैं पूरे घर में पोछा उछा लगा लूँगी। हाँ
मैं पोछा ओछा लगा के नीचे भी मैंने पोछा लगा लिया है, नीचे भी रूम है तो वहाँ भी मैंने लगा होगा कि आ गई थी फेसिंग साफ करने, बहुत गंदा कर दिया था, बच्चे लोग देख ले सकते हैं। और मैं ना 2 दिन पहले ही साफ़ किया था, लेकिन क्या है ना बच्चे लोग जो थूक उक जो बिकते हैं ना वो उस पानी उन्हें दे के फिर साफ अप नहीं करते, और मुझे मैं देख नहीं पाए, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई तो उससे क्या है ना और गंदे होने गए, बेसिक बहुत गंदे हो गए थे, तो मैं सोची चलो इससे भी साफ़ कर ही देती हूँ साथ में, तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पर सब सफाई। और यहाँ मैं बेसिन साफ कर ली हूँ, देखिए कितनी चकाचक हो गई है। तो यहाँ मैंने हारपिक से साफ किया है, और पन्नी जो होते हैं ना सब्जी उब्जी का पन्नी मैं हमेशा रखती हूँ, काम आ ही जाते हैं, तो यही सब मैं इसी से साफ़ करी, आसानी से साफ़ हो जाते हैं, फूल गए थे और अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। तो मेरी बेसिन चकाचक हो गई है, और यहाँ मैं डिटोल रख दे रही हूँ हैंड वाश, और यहाँ मैं टेबल साफ करने आ गई थी। क्या है ना कल शाम को बहुत आंधी तूफान आई थी, तो उससे क्या ना डस्ट वस्ट बैठ गए थे, तो वही मैं साफ उप कर रही थी टेबल को। और यहाँ देखिए मेरा बेटा ने क्या किया है, पाउडर गिरा के बिल्कुल बर्बाद कर दिया है कल शाम को, तो ये देखिए पाउडर का इस तरह से निशान पड़े, तो वही मैं साफ उप कर देती हूँ, नहीं तो क्या है ना और भी गंदे हो जाएंगे। और यहाँ देखिए सुबह अभी 7 बज रहे हैं, तो देखिए कितनी बारिश हुई है, कल शाम से ये बारिश हो रही थी, फिर छूट जा रहे थे, फिर स्टार्ट हो जा रहे थे, तो आज सुबह से जो 5 बजे से जो स्टार्ट हुआ ना अभी तक बारिश हो ही रही है, तो अभी तो मौसम बिल्कुल ठंडा कर दिया, अच्छा भी लग रहा है मौसम। तैयार हूँ नहा के, देख सकते हैं मैं सिंपली तैयार होती हूँ जिस तरह से होती हूँ घर में, तो आज भी कोई स्पेशल दिन नहीं है, बस आज सोची थी कि व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि रविवार है मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ऐसे शॉप पे, बच्चे को लाना स्कूल, बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं काम छोटी छोटी, जो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बहुत दिनों से व्लॉग बनाना, इसलिए सिस्टर की शादी की वीडियो मैं अपलोड कर रही थी, लेकिन आज मैं सोची कि चलो आज मैं वीडियो अपलोड किया जाए, बहुत दिन हो गया व्लॉग बनाए नहीं थे, तो सोची चलो आज बना लिया जाए। तो मैं तो अभी नहा के तैयार हूँ, और सफाई अभियान ख़त्म हो गया है, तो मैं तैयार हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा वूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर खाना वाना बनाऊँगी। और यहाँ देखिए मैंने पूजा वूजा कर लिया है, मैं धूपबत्ती जलाती हूँ, अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, अगरबत्ती जलाने से अच्छा नहीं होता है, मतलब बांस का बना हुआ रहता है, इसलिए तो मैं धूपबत्ती जलाती हूँ, और मेरा पूजा ख़त्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ। आज मैंने अपने बाल धोया है, देख सकते हैं थोड़ी सूख गए हैं, हल्की कच्ची है, तो मैं अभी खुले ही रखूँगी बाल को, तो थोड़ी सूख जाएंगे ना तब मैं इसे बांधूँगी, नहीं तो क्या ना गीले बाल में बांधने से ना अच्छा नहीं होता, बदबू करते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सोची कि चलो थोड़ी सुखा लिया जाए, यहाँ मैंने बाल को सुखा लूँगी, पंखे भी चल रहे हैं ऊपर में, देखिए तो बस अब मैं जा रही थी फिर। और यहाँ मैं आप लोग से बात करते करते किचन के में आ गई थी, तो यहाँ बना रही हूँ चने और तोरी की सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो आज यही बना रही हूँ। ऐसे मैं रोज़ नहा के खाना नहीं बनाती, क्योंकि सुबह स्कूल बच्चे को ले जाना पड़ता है, तो सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं, बाद में नहाते हैं, तो आज थोड़ा सफाई अभियान चालू था मेरा, सफाई कर रही थी घरों का, तो क्या ना डस्ट वस्ट शरीर में आ गए थे, तो मैं सोची चलो नहा लिया जाए, बाद में ब्रेकफास्ट बनाएंगे, तो वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने चना रात को ही फूलने के लिए दे दिया था, चना तोरी की आज सब्ज़ी बनेगी, और मैं यहाँ पर रोटी बनाऊँगी। हमारे नाश्ता तो हो गए हैं, बच्चे लोग भी कर लिए हैं, और अब कोई काम तो नहीं रहा, सारे काम हो चुके हैं फिनिश, अब रहा दोपहर को खाना वाना बनाना। और फ्रेंड्स जानते हैं सुबह से जो बारिश हो रही थी, सुबह तो बारिश बिल्कुल हो रही थी तो ठंडा किया था मौसम, लेकिन अभी जो धूप निकली ना इतनी गुमस की है, इतनी गर्मी की हुई है ना, क्या बताओ आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़ धूप निकली, ये देखिए कितनी तेज़ धूप निकली है, मैं खिड़की के उधर दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बहुत तेज़ धूप निकली है, बहुत गर्मी किया हुआ है, गर्मी लग रही है, इतनी लग रही है ना, बारिश ना 3-4 दिन के बाद हुई है इधर, तो यहाँ देखिए धूप इतनी तेज़ हुई है ना, इतनी गर्मी लग रही है ना कि क्या बताऊँ। ये देखिए मेरा बेटा को गर्मी से क्या निकल गए हैं,
पूरे फोड़े फुंड से निकल गए, मुंह में नर में निकल गए हैं, नाक पे निकल गए हैं। तो अभी मैंने दवाई दिया है, मेडिसिन दिया है, कुछ आराम है। और ये ना बरसाती घाव है, ये निकल ही जाते हैं, समझ ही नहीं आता। बच्चे को देखिए आए हैं बिल्कुल, तो दवाई ववाई मैंने खिलाया है तो भी दर्द कम है। और ये देखिए क्या खेल रहा है, ये चिप्स के साथ खेल रही है। ये बोल रहे हैं ना कि छान के दीजिए मेरे को, तो मैं चाह रही हूँ इसका काम करने, इसको छान के देने के लिए। नहीं तो ये ना मेरा जान खा जाएगा, ये नहीं छान के दूंगी तो ये ऐसे चिल्लाते रहेगा। इसको खाना है आयुष, छान दूँ, खाओगे आप? चलो ठीक है, छान देते। तो बस एक काम और लग गया मेरा। और यहाँ पर मैंने दे दिया था छान के, और ये देखिए मेरा बेटा खा रहा है, इसे बहुत पसंद होता है। बोलती हूँ कि बेटा ये सब नहीं खाओ, तेल का चीज़ें, लेकिन मानेंगे कहाँ, बच्चे मानते ही कहाँ हैं। तो इसे अच्छा लगता है, तो ये मैं छान के दे दी हूँ थोड़ी सी। अभी ये खाना वाना जो भी होगा वो दोपहर को बनेगा। तो अभी तो ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी भी चले गए हैं शॉप पर। फ्रेंड्स हम यही एंड करते हैं, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो, और सपोर्ट कीजिए जैसे मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। ऐसे मैं वीडियो तो ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आज स्टार्ट की हूँ, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यदि उसमें व्यू नहीं आता है, लाइक नहीं आता है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे थोड़ा वीडियो और अच्छी अच्छी लाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।